हेलो एवरीवन, दैट्स मी तमन्ना और वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की। सबसे ज्यादा डिमांड की गई है इसी सब्जेक्ट के लिए। आप लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक दो वीडियोस अपलोड करूं। अगर आपको पसंद आया, अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स को। अगर आपको नहीं पसंद आया और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला मुझे, तो किताब बंद, बस्ता पैक, टाटा बाय बाय, खत्म। इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद क्लासेस अपलोड नहीं होंगे। तो आप मुझे कैसे रिस्पॉन्स दे सकते हो? आप कमेंट सेक्शन में या आप वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे समझ आएगा कि हाँ अच्छा गया है, लोगों को समझ आया है, उन्हें और चाहिए इसके ऊपर कॉन्टेंट। अदरवाइज मुझे डिमोटिवेट फील करूंगी मैं कि यार नहीं पसंद आ रहा है तो क्यों फिर कॉन्टिन्यू करना है, क्या फायदा है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि हमें उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो हम आज पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। पहला यूनिट भी है ये। अगर आप मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स तक जाओगे तो पहले आपको पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जब हम पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं और एग्रीगेट्स को, पूरी इकोनॉमी और उसके एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। जब आप पूरे इंडिया की सिचुएशन स्टडी करेंगे ना इकोनॉमिक टर्म्स में, जब पूरे इंडिया को स्टडी कर रहे हो, पूरे इंडिया को पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हो। क्या क्या देखोगे आप मैक्रो में? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, टैक्सेशन पॉलिसी, कंट्री में जो टैक्स को लेकर पॉलिसी बनाई होगी गवर्नमेंट ने। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा। जब आप इंडिविजुअल फैक्टर या एक्टर, इंडिविजुअल एक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हो, एक्टर्स से यहां पे मतलब एक्टर का नहीं है, आप फैक्टर्स की बात हो रही है, या आप इंडिविजुअल कोई फर्म को स्टडी कर रहे हो या किसी कस्टमर को स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि हम तो जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहाँ का यूनिट है? माइक्रो का है। तो हम तो बहुत सारे कस्टमर्स की बात करते हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो वो कैसे माइक्रो में आएगा? वो तो मैक्रो का बन जाता है। नहीं बच्चे, आप जब ये स्टडी करते हो परफेक्ट कंपटीशन, तो आप एक ही इंडस्ट्री को स्टडी करते हो। इस मार्केट में आप एक इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल शुगर को कर लोगे या तो, या सोल्ट इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री, ऐसा कुछ स्टडी करोगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी इकोनॉमी में और टोटल गुड्स, टोटल सर्विसेज, टोटल सेलर्स, टोटल बायर्स की बात नहीं कर रहे हो। जब आप बड़े लेवल पे स्टडी करते हो तब आप करते हो मैक्रो। जब आप एक मार्केट उठा रहे हो, एक इंडस्ट्री उठा रहे हो, उस इंडस्ट्री के सारे कस्टमर, बायर, सेलर्स आप स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? माइक्रो को स्टडी कर रहे हो। आपने क्या किया? एक इंडस्ट्री को उठाया, एक फर्म नहीं, एक इंडस्ट्री जिसके अंदर अलग छोटी छोटी फर्म्स है, लेकिन एक ही इंडस्ट्री है ना। प्रोडक्ट तो एक ही बना रही है, या तो शुगर बना रही है या कॉटन बना रही है। आप एक टाइम पर या तो शुगर को स्टडी कर रहे हो या कॉटन को, तो आप क्या कर रहे हो? माइक्रो कर रहे हो। जब आप शुगर्स के साथ साथ सोल्ट, उसके अलावा कॉटन और जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी मार्केट में, जितने भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई है, सबको स्टडी करोगे, तो आप क्या करोगे? आप मैक्रो स्टडी करोगे उस वक्त। डिफरेंस क्लियर हुआ? तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या है? अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपने स्टडी किया है, जो आपने थ्योरी पढ़ी है माइक्रो के अंदर, जब आप उसको अप्लाई कर देते हो, तो आप क्या करते हो? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स करते हो। तब आप क्या करते हो? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स करते हो। एंड इट्स फोकस, फोकस क्या है? ऑन इंटरेक्शन ऑफ फर्म्स, इंडिविजुअल्स इन मार्केट। इसका फोकस क्या होता है कि फर्म्स और कस्टमर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, या कस्टमर्स के अलावा और अदर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है उस फॉर्म के अंदर, उनके बीच का जो इंटरेक्शन, आप उसको स्टडी करते हो। ये क्या करते हो आप, कि आपने अभी तक माइक्रो में सिर्फ पढ़ा था अलग अलग चीजें, अलग अलग रूल्स लॉज पढ़ लिए, डिमांड के मार्केट्स पढ़ लिए, सारी चीजें पढ़ लिए। जब असल जिंदगी में खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे या खुद असल जिंदगी में किसी और के बिजनेस से डील कर रहे हो, तो जो पढ़ा था आप क्या करोगे? उसको अप्लाई करोगे कि हमने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था माइक्रो में, तो ऐसा है तो ऐसा होगा। तो अब जब आप उसको असलियत में अप्लाई कर दोगे ना उस चीज को अपनी असल जिंदगी में, तो आप क्या करोगे? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स कर रहे हो उस वक्त आप। क्लियर? अब देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स दो टर्म्स है, मैनेजेरियल प्लस इकोनॉमिक्स।
तो मैनेजेरियल, मैनेजर, मैनेजर मतलब मैनेजमेंट की बात हुई। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग फंक्शंस के बीच में, अलग अलग लेवल पर वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं या अलग अलग मैनेजर्स हैं उनके बीच में, सब में एक कोऑर्डिनेशन मिलेगा। कोऑर्डिनेशन मतलब सब देखते हैं। आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है कोऑर्डिनेशन का, असेंबली लाइन पता है आपको क्या होती है? असेंबली लाइन ऐसे एक चेन सी बनी होती है, अगर आपने एयरपोर्ट पे देखा है तो उस पर बैग आते जाते हैं, आप सब लोग अपना सूटकेस उठा लेते हैं, उस पर सूटकेस रखे होते हैं, है ना, ये चलती रहती है मशीन। या आप स्टेशन पे जाते हो, मेट्रो में जाते हो, तो क्या करते हो, आप अपना बैग रख देते हो उस मशीन में, और बीच में मशीन में सामान चेक हो जाता है, उसके बाद आगे निकल आता है, आप आगे से सामान उठा लेते हो। ऐसा ही कुछ होता है असेंबली लाइन का सेटिंग। उसमें क्या होता है कि काम डिवाइड कर दिया जाता है, कि जैसे बहुत सारे, जैसे कार मैन्युफैक्चर हो रही है, कार बना रहे हैं, तो किसी का काम होगा उसमें कोई बुलेट, कोई नट बोल्ट उसका टाइट करना, किसी का काम है उसमें ग्रीस लगाना, किसी का कोई काम है, किसी का कोई, तो पूरी ऐसे जो बेल्ट मैंने आपको दिखाई है ना बच्चे, ये जो बेल्ट मैंने आपको नीचे दिखाई है, ये ही बेल्ट ऐसे ही, जैसे इस बंदे का कोई काम था, इसने वो अपना काम कर दिया, आगे वाले बंदे का काम है वो करेगा, उसके बाद वो, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, ये चलती रहेगी धीरे 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 करके, अपने अपने वर्कर्स के पास वो पार्ट जो रखा हुआ है मशीन पे वो पहुंचता रहेगा। और सब लोग क्या करेंगे, अगर इसका काम है बोल्ट लगाना तो बोल्ट से लगाएगा, इसका काम है ग्रीस लगाना तो ग्रीस ही लगाएगा, अगर इसका काम है टायर सेट करना तो टायर ही सेट करेगा, हर पीस का, इसके सामने जो पीस आएगा उसके अंदर टायर सेट कर देगा इसका काम, है ना, ऐसे करके जिसका जो काम है सिर्फ वही काम करेगा, वो हर पीस में। एक तरह से कोऑर्डिनेशन है कि पहले वाले बंदे को पता है कि अगर मैंने बोल्ट सेट नहीं किए तो नेक्स्ट वाला बंदा ग्रीस वगैरह नहीं कर सकता, उससे अगले वाला बंदे का भी काम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टायर सेट नहीं कर पाएगा, यानी कि एक बंदे की गलती सबका काम खराब। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहता है इन लोगों के बीच में, है ना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, उनको पता है किसका क्या काम और कैसे करना है, और कैसे उसके काम की वजह से दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, तो क्यों अपना काम जिम्मेदारी से उसे करना है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। उसके बाद क्या है, एक्टिविटी मैनेजमेंट क्या है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है या एक्टिविटी है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है, ऐसा नहीं आपने आज मैनेजमेंट कर दिया कल खत्म हो जाएगा, कल जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, ये कॉन्टिन्यू चलता रहेगा, आपको हर रोज हर अलग अलग एक्टिविटी के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये ऑन गोइंग प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। पर्पजिव प्रोसेस, इसका पर्पज होता है कुछ, ऐसा नहीं कि हम ही फालतू में मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम नहीं, इसका कोई ना कोई पर्पज होता है मैनेजमेंट करने का, कोई ना कोई मोटिव होता है। सबसे बड़ा मोटिव क्या होगा, आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट अर्न करना है, सबसे बड़ा मोटिव तो यही है, अच्छा मैनेजमेंट होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छी सेल्स होंगी, अच्छे से स्मूथली रन कर पाएंगे आप अपने बिजनेस को। उसके बाद आर्ट है गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर पीपल, ये एक आर्ट है लोगों से अपना काम करवाने की। कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसको, वर्कर्स को, लीडरशिप भी करते हैं। तो क्या होता है, उससे हम दूसरे लोगों से आसानी से अपना काम करवा लेते हैं, वर्कर्स से काम करवाना आसान थोड़ी, पैसे से काम नहीं करते सिर्फ लोग। उसके बाद क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट्स फ्रॉम टू फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, स्केर्स रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज स्केर्स क्यों है, कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऐसा क्यों है, है ना, क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स है ना वो है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स है। आज आपके पास पैसा है तो आप क्या कहेंगे कि गर्मी ज्यादा लग रही है, फैन या कूलर से काम नहीं चल रहा, एसी ले लेते हैं। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने बड़ी मुश्किल से एक फैन खरीदा था और आपको फैन अच्छा लग रहा था, आपकी वॉन्ट्स वहां पे सेटिस्फाई हो रही थी। जैसे ही पैसा और मिल गया, अब आपको कूलर भी चाहिए, और पैसा आएगा अब आप एसी ले लोगे, और पैसा आएगा अभी तक कपड़े हाथ से धुल रहे थे अब मशीन से धुलेंगे, और पैसा आएगा तो कहेंगे मशीन से भी नहीं धोएंगे बाहर से लॉन्ड्री करा लेंगे। तो क्या है, आपकी जो भी वॉन्ट्स है, आपकी डिजायर्स है, वो अनलिमिटेड है, उनका कोई अंत नहीं है। जैसे जैसे आपको रिसोर्सेज मिलते जाएंगे आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जो ह्यूमन वॉन्ट्स या डिमांड्स को सेटिस्फाई करने वाले, वो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, जितने हैं उतने ही है, अब आप उसको यूज कर लोगे तो, है ना, जमीन जितनी है उतनी है, अब उसमें आप खेती करो, फैक्ट्री लगाओ, या बिल्डिंग बनाकर रेंट पे दे दो, आपकी मर्जी, जमीन आपके पास जितनी है उतनी रहेगी, आप बढ़ा थोड़ी सकते हो, उसका क्या ही करोगे, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। हाँ आपके पास पैसा, आप खरीद लोगे जमीन, तो उसमें क्या किया आपने, रिसोर्सेज की
क्या किया आपने, रिसोर्सेज को बढ़ा दिया है ना, वो तो एक्सेप्शन हो, वो तो अपवाद हो गया, आपने रिसोर्सेज एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ले लिए, लेकिन धरती पर मान लीजिए पूरी धरती खरीद ली, उसके बाद क्या, उसके बाद भी आपके डिजायर्स तो अनलिमिटेड है, अब आपको मार्स पे भी जाना है, क्लियर। तो ह्यूमन वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अब हमें सोचना पड़ता है कि जो लिमिटेड जमीन आपके पास, जमीन का टुकड़ा है, उसको कहाँ कहाँ यूज करें, अब आपको सोचना पड़ेगा कि उस पर फैक्ट्री लगाऊं, कि उस पर खेती करूं, कि मैं उस पर बिल्डिंग बनाऊं, अब क्या है, अब आपको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपकी, आपको तो सब चाहिए, आपको खेती भी करनी है, आपको फैक्ट्री भी लगानी है, आपको बिल्डिंग भी बनानी है, आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके पास जमीन है वो लिमिटेड है, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसी की वजह से क्या हो गया, अब आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस चीज का प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें और किसके लिए प्रोडक्शन करें। जब बात आती है किसका प्रोडक्शन करें, तो क्या होता है कि या तो आप पब्लिक के लिए गुड्स मैन्युफैक्चर करो, तो उसमें भी क्या, या तो आप लग्जरी गुड्स मैन्युफैक्चर करो कि अमीर लोगों के लिए, उसमें आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, या आप पुअर जो है, जो लोग मुश्किल से सिर्फ गुजारा कर पा रहे हैं, आप उनके लिए प्रोडक्शन करो, तो उसमें क्या है, उसमें आपका प्रॉफिट कम रहेगा, लग्जरी गुड्स में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किसको टारगेट करना, आपका मार्केट कौन सा है, आपका प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चर करना है कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, आप प्रोडक्शन करें कैसे, मतलब या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करें, भाई ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स लगा ले अपनी फैक्ट्री में, या कैपिटल इंटेंसिव, सारा प्रोडक्शन मशीन से करा ले। फॉर एग्जाम्पल आपको गांव में पॉन्ड्स पता है क्या होते हैं, जोड़ जो होते हैं उनकी क्या होती है, सफाई होती है, खुदाई होती है, तो आपके पास चॉइस रहती है कि या तो आप लेबर से वर्कर्स को लगाएं और उनसे काम करा ले, इससे क्या होगा, लोगों को काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, उनसे सफाई करा ले, या फिर आप मशीन बुलाकर, वही मशीन जिसकी खुदाई देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है ना, हाँ, तो उसी से आप ला करके कुछ घंटे में काम खत्म करा दे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेबर को चूज करोगे कि कैपिटल को चूज करोगे, और ये कैसे चूज करोगे, आप आपके एरिया में जो भी चीज सस्ती मिलेगी आप उसी को प्रेफर करोगे, सस्ती मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे जो फैक्टर्स, आप उसको कंसीडर करोगे, उसी का यूज करोगे। उसके बाद फॉर हूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है आपको, किसके लिए, जब आपने व्हाट टू प्रोड्यूस का किया तो आपने डिसाइड किया कि आपको किस तरह की गुड्स बनानी, लग्जरी गुड्स बनानी कि कंजम्पशन वाले गुड्स बनानी है, कि पब्लिक के लिए प्रोडक्शन करोगे आप, या फिर आप डिफेंस वाले गुड्स बनाओगे, आपने वो सब डिसाइड किया। लेकिन जब फॉर रूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो आपने देखा कि मुझे अपर, या फिर आप कह सकते हो कि जो रिच पीपल है उनके लिए प्रोडक्शन करना है, या पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उसके लिए प्रोडक्शन करना है, आपने इनकम लेवल पर डिसाइड किया ये, राइट। तीन प्रॉब्लम्स थी, तीनों स्टडी कर ली, इनको सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जो स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे, ये सब तो बेसिक था, अभी स्कोप ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स पे आ जाओ, तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ फर्म और अ यूनिट ऑफ मैनेजमेंट अमंग द एक्टिविटीज ऑफ दैट यूनिट। क्या मतलब है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलोकेट करना पड़ेगा रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज जो फर्म के पास अवेलेबल है, फर्म और अ यूनिट ऑफ मैनेजमेंट अमंग द एक्टिविटीज ऑफ दैट वैन। आपको एक्टिविटीज जो भी है आपके बिजनेस की, जो एक्टिविटीज है उसमें आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या करेंगे आप, अब उन रिसोर्सेज को अलोकेट करोगे, है ना, कि कौन सी एक्टिविटी में कितने रिसोर्सेज यूज करने हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिसिस टू द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मुलेटिंग रैशनल मैनेजेरियल डिसीजंस। ये क्या है, आपको मैनेजेरियल डिसीजन लेना पड़ रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये आपने माइक्रो में पढ़ा है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और आपको अलग अलग एक्टिविटीज में यूज करने हैं, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनेजेरियल डिसीजन, मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन से रिसोर्सेज कौन सी एक्टिविटी में कितनी अमाउंट में यूज करने हैं। तो अब क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी डिसीजन मेकिंग में
उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या रहेगी, रिसोर्स को एलोकेट कैसे करें, उसके बाद इन्वेंट्री एंड क्यूइंग प्रॉब्लम, उसके बाद इन्वेंट्री को लेकर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर प्राइसिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, कितना प्राइस रखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की कहाँ और कितना इन्वेस्टमेंट होगा। ये चार तरह की प्रॉब्लम्स आपको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में मिलती है। अब देखिए स्टडी ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। Essentially, economics involves the analysis of certain major subjects. अब जब आप स्टडी करोगे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स को, तो उसमें कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आप स्टडी करोगे। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में आप कुछ इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करोगे, जिसके सर्टेन मेजर सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, मेजर टॉपिक्स क्या रहेंगे, बिजनेस फर्म और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बाद डिमांड, ये आप माइक्रो में भी पढ़ते थे, ये सब आपने माइक्रो में भी पढ़ा है। ये सारे टॉपिक्स आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए हैं और आपको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर पाओगे इन टॉपिक्स को, कि आपने वहां पे भी बिजनेस फॉर्म और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। डिमांड को आपने उधर भी पढ़ा था और डिमांड फोरकास्टिंग भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे। उसके बाद आपने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस को भी पढ़ा था और यहाँ भी स्टडी करोगे आप उसको। प्राइसिंग थियरी एंड पॉलिसीज, प्रॉफिट, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग आपको कहाँ मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिलेगा आपको कैपिटल बजटिंग। उसके बाद कंपटीशन पढ़ेंगे आप, तो ये सब से आप रिलेट कर सकते हो। आपने ये मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में भी आपको घुमा फिराकर यही सब पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ आप बिजनेस इकोनॉमिक्स, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स को रिलेट कर सकते हो। अब मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स आप अलग अलग स्टडी करते हो उनमें क्या लिंक है और क्या सिमिलैरिटी है, तो जैसे पहले बात करें अगर माइक्रो की, तो माइक्रो में आप क्या पढ़ोगे, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स की तो रूट्स ही है माइक्रो। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स तो आया ही है माइक्रो से। आप माइक्रो में स्टडी करते थे प्राइस थियोरी, डिमांड कॉन्सेप्ट, थियोरीज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, वही सब आप यूज करेंगे माइक्रो के, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में। अब आ जाइए मैक्रो इकोनॉमिक में। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होगा कि इसका बहुत कम यूज है, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में बहुत कम यूज है मैक्रो का। लेकिन क्या क्या यूज करते हैं मैक्रो का, नेशनल इनकम फोरकास्टिंग यूज करते हैं, किसके अंदर, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। अब ऑपरेशंस रिसर्च की बात कर लीजिए, इसका क्या है, यूज करते हैं मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में इसको किस लिए, टू फाइंड आउट द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, कि आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स होंगे, कौन सा अल्टरनेटिव आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो कैसे चूज करेंगे, ऑपरेशंस रिसर्च की हेल्प से चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, कब, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में जब कोई प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है तब हम लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज कर लेते हैं। क्लियर, आप देखिए उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है, थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग को हम यूज करेंगे, कैसे, टू डेवलप डिसीजन थियरी हैज बीन डेवलप टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस और डिसीजन मेकिंग। थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्यों डेवलप की थी, क्यों बनाई गई थी ये थियरी, हमें हेल्प करने के लिए, कौन सी प्रॉब्लम्स में, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया था। राइट, वेयर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फिगर्स रिक्वायर्ड फॉर द यूटिलिटी कैलकुलस आर नॉट अवेलेबल। तो अब ये थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम डिसीजन मेकिंग ही तो करते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं, है ना, हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें डिसीजंस ही तो लेने, मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजंस लेता है, और थियरी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। उसके बाद आइए स्टैटिस्टिक्स, ये क्या करता है, डिमांड और कॉस्ट फंक्शंस, प्रोडक्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, उन से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे उनको अच्छे तरीके से उन डिसीजंस को लेने में हेल्प करेगा। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है स्टैट्स के ऊपर, तो स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आपको स्टैट्स भी पढ़ने को मिलेगा। मैनेजमेंट थियरी एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट थियरी एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग,
तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हैज बीन रिगार्डेड एज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन थियोरी ऑफ फर्म इन माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये तो मोटिव ही होता है किसी भी फर्म का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना। तो माइक्रो में तो हमने ये पढ़ा ही है। तो अकाउंटिंग डेटा एंड स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो अकाउंटिंग डेटा और स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर, जो भी अकाउंटिंग डेटा अवेलेबल है हमें तभी तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट और कितना और बढ़ाना है। तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है वो डेवलप किया गया है सेपरेट और स्पेशलाइज्ड फील्ड के, जैसे आपको एक अलग से सब्जेक्ट मिलता है मैनेजेरियल अकाउंटिंग, मैनेजेरियल अकाउंटिंग, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, मैनेजेरियल अकाउंटिंग अलग से एक सब्जेक्ट है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे मैनेजेरियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। उसके बाद आइए इकोनॉमिक एनालिसिस पे। तो माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस क्या रहेंगे, माइक्रो एनालिसिस में क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ना, वो फोकस करती है सिंगल इंडिविजुअल एंटिटीज पे, या तो सिंगल कंज्यूमर को स्टडी कर लेंगे, प्रोड्यूसर को, या मार्केट को स्टडी कर लेते हैं। यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो एक ही बंदे को स्टडी करती है, किसमें, माइक्रो में। जबकि मैक्रो एनालिसिस क्या कहता है, टोटैलिटी पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टोटल को लेकर जो प्रॉब्लम्स होती है उनको स्टडी करता है, जैसे पूरी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम को स्टडी करेगा, नेशनल इनकम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको स्टडी करेगा, या पूरी कंट्री के अंदर क्या प्राइस लेवल है इस वक्त, जनरल प्राइस लेवल उसको स्टडी करेगा, या फिर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन की, हिंदी में अगर बोले तो महंगाई, तो पूरी महंगाई को कौन पढ़ेगा, मैक्रो पढ़ेगा। फिर आइए पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो पार्शियल क्या करता है, हर एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर देगा छोटी छोटी पार्ट में, और हर पार्ट को एक एक करके स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा, एक टाइम पर एक ही पार्ट को स्टडी करेगा, बाकी सारे पार्ट्स को क्या ज़ूम करता है कि बाकी सारे पार्ट्स हैं वो कॉन्स्टेंट है, सेम रहते हैं, उनमें चेंज नहीं हो रहे। तो पार्शियल क्या करते हैं, धीरे धीरे करके स्टडी करते हैं, और मानकर चलता है कि जब मैं एक पार्ट को स्टडी कर रहा हूं तो बाकी सारे पार्ट कॉन्स्टेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। जनरल क्या करता है, जनरल इक्विलिब्रियम ये क्या ज़ूम करता है, गिवन और अदर रिमेनिंग इक्वल, इस अजम्पशन को नहीं मानता, जो पार्शियल कहता है ना कि जब मैं एक पार्ट को स्टडी कर रहा हूं बाकी सारे पार्ट कॉन्स्टेंट है, ये उसको नहीं मानता, ये कहता है कि सब कुछ अपने आप से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं सारे वेरिएबल्स। तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि जब मैं नेशनल इनकम स्टडी कर रहा हूं तो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्स्टेंट है, राइट? जब मैं एक मार्केट को स्टडी कर रहा हूं तो बाकी सारे मार्केट्स कॉन्स्टेंट है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, ना प्राइस घट रहे ना बढ़ रहे, वहीं की वहीं रुक गई है पूरी दुनिया, आप जो स्टडी कर रहे हो बस वही चीज हो रही है, बाकी सारी दुनिया अपनी जगह रुक गई है, स्टैचू कर दिया किसी ने उस दुनिया को, ऐसा नहीं है। जनरल इक्विलिब्रियम नहीं मानता पार्शियल इक्विलिब्रियम की ये थ्योरीज को। स्टैटिक कंपेरेटिव स्टैटिक डायनामिक एनालिसिस, ये किसकी बात करते हैं, टाइम डायमेंशन को स्टडी करते हैं, कैसे, अलाउिंग नो चेंज एट ए पॉइंट इन टाइम, उसके बाद अलाउिंग वंस फॉर ऑल चेंज एट ए पॉइंट इन टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट इसके अंदर बात की जाती है टाइम की, इन सब के अंदर बात की जाती है टाइम की। और टाइम को मैं घड़ी बनाकर दिखाने की कोशिश कर रही हूं, मेरे से बनी नहीं, मेरी ड्राइंग स्किल्स बहुत खराब है। उसके बाद आइए पॉजिटिव नॉर्मेटिव, मैंने आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता था कि क्या है, जबकि नॉर्मेटिव बोलता था क्या होना चाहिए। ये अगर मेरी लैंग्वेज में बोलो तो नॉर्मेटिव ज्ञान देता है कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पॉजिटिव को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, वो फैक्ट की बात करता है कि जो है उसकी बात करो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए दूर की बात है, जो इस वक्त है उसकी बात करो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड थियरीज के बेस पर ऑब्जेक्टिवली स्टडी करेंगे हम। जबकि नॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट्स। क्या करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, इट इज कंसर्न्ड विद द डिसीजन मेकिंग। फीचर्स क्या है मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के, किसमें डिसीजन मेकिंग होती है, लेकिन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है। उसके बाद ये माइक्रो इकोनॉमिक है कैरेक्टर में, क्यों, इसका तो बेस ही है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद इट लार्जली यूजेस द बॉडी। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक ऐसे भी है कि आप अगर अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस ले रहे हो तो आप माइक्रो ही हो ना, आप पूरी इकोनॉमी को लेकर थोड़ी डिसीजंस ले रहे हो, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस करती है। आप पूरी इकोनॉमी पूरे देश को लेकर फैसले नहीं ले सकते, आप अपने बिजनेस के फैसले ले सकते हो बस, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक पर बेस करती है। उसके बाद इट लार्जली यूजेस इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स विच इज नोन एज थियरी ऑफ द फर्म। ये थियरी ऑफ द फर्म को यूज करती है, क्या है, इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स को यूज करती है।
इसीलिए तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है मतलब इकोनॉमिक्स ही है, बस मैनेजमेंट जो इकोनॉमिक्स यूज कर रहा है वो वाली इकोनॉमिक्स है। उसके बाद इट इज गोल ओरिएंटेड एंड प्रिस्क्रिप्टिव। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या है? गोल ओरिएंटेड एंड प्रिस्क्रिप्टिव है। इसका मतलब क्यों लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजंस क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इनका कुछ एम होता है। क्या एम होता है? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फर्म के, बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हम सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसीलिए ये गोल ओरिएंटेड है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बोथ कंसेप्चुअल एंड मैट्रिकल, इट इंक्लूड्स थियोरी विद मेजरमेंट। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स क्या है? कंसेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट भी है इसमें, मैट्रिकल भी है। ये क्या इंक्लूड करती है? थियोरी के साथ साथ ये मेजरमेंट भी करती है। हमने अभी अभी पढ़ा ना, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लेगी, स्टैट्स यूज करेगी, तो इसके अंदर मेजरमेंट भी यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी सीरीज का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।